नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। साथियों, आज हम देखने वाले हैं पोस्ट ऑफिस की बेस्ट टॉप 3 स्कीम कौन सी है, अगर आपको पैसा इन्वेस्ट करना है तो कहाँ पे आप इन्वेस्ट कर सकते हो। पोस्ट ऑफिस में बहुत सारी स्कीम है जिसके अंदर आप पैसा लगा सकते हो। 2023 में काफ़ी अच्छा रिटर्न दे रहा है पोस्ट ऑफिस। वैसे तो पैसा लगाने के लिए मार्केट में बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल है, जैसे आप शेयर मार्केट में पैसा लगा सकते हो, म्यूचुअल फंड में पैसा लगा सकते हो, या फिर आप अपनी बैंक में FD भी करवा सकते हो। लेकिन यहाँ पे सब जगह रिस्क फैक्टर अवेलेबल है। रिस्क की बात करें तो क्या रिस्क, मतलब अगर आप म्यूचुअल फंड शेयर बाजार वगैरह में पैसा लगाते हो तो शेयर मार्केट ऊपर गया तो ठीक है, अगर नीचे गया तो आपका पैसा लॉस हो जाएगा यानी डूब जाएगा, उसमें रिस्क फैक्टर अवेलेबल रहता है। अगर बैंक में आप FD रखते हो 5 लाख तक का, उसमें इंश्योरेंस रहता है। अगर 5 लाख के ऊपर आपने FD रखा और बैंक डूब गया तो आपको खाली 5 लाख रुपया ही मिलेगा। लेकिन पोस्ट की हम यहाँ पे बात करें तो प्योर सरकारी है, भारत सरकार का स्कीम है, 100% सिक्योर है, इसलिए आप आराम से इसमें पैसा लगा सकते हो। इसलिए आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कौन से टॉप 3 स्कीम है जहाँ पे आप पैसा अपना इन्वेस्ट कर सकते हो। तो चलो देखते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, शुरू करने से पहले आपको एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और अगर आप वीडियो देखते हो लेकिन लाइक नहीं करते हो, लाइक तो कर दो यार वीडियो। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करें तो पोस्ट ऑफिस की टॉप सेलिंग स्कीम, मतलब सबसे ज़्यादा बिकने वाली स्कीम कौन सी है, MIS स्कीम, यानी कि मंथली इनकम स्कीम। दोस्तों, ये स्कीम बहुत ही पॉपुलर है, भारत के गांव-गांव में बहुत सारे लोगों ने MIS स्कीम में पैसा अपना डाला हुआ है, क्योंकि इसके अंदर मंथली पेंशन मिलता है, यानी कि इंटरेस्ट हर महीने आपके खाते में इंटरेस्ट आता है और इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट भी अच्छा है। दोस्तों, पहले बात कर लेते हैं इस स्कीम के बारे में, कौन कौन खुलवा सकता है ये स्कीम। भारत का कोई भी नागरिक खुलवा सकता है ये स्कीम। अगर आपके घर में छोटा बच्चा है तो उसके साथ आप जॉइंट भी खुलवा सकते हो। अगर 10 साल के ऊपर का बच्चा है तो फिर वो अकेला भी अपना अकाउंट ओपन कर सकता है। MIS स्कीम की बात करें इम्पोर्टेंट टॉपिक, तो यहाँ पे हम देखें तो डिस्का डिपॉजिट, इसमें आप 1000 रुपये से डिपॉजिट कर सकते हो, और मैक्सिमम लिमिट इसकी 4.5 लाख थी पहले, जो अभी बढ़ा के 9 लाख रुपया कर दिया है ये बजट में, यानी कि 2023 में अभी आप 1 अप्रैल से इन्वेस्ट करोगे तो इसमें 9 लाख रुपया तक इन्वेस्ट कर पाओगे इसके अंदर। और अगर जॉइंट आपके घर में फादर मदर या आपकी वाइफ उसके साथ अगर जॉइंट अकाउंट में आपको इन्वेस्ट करना है तो यहाँ पे आप 15 लाख रुपए तक आराम से इन्वेस्ट कर सकते हो, यानी कि यहाँ पे आपको अच्छा रिटर्न मिलने वाला है। और बात करते हैं इसके रेट ऑफ इंटरेस्ट। दोस्तों, इसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 7.1, और हर महीने इसका जो इंटरेस्ट है वो आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा, यानी कि सेविंग अकाउंट में हर महीने पैसा आ जाएगा, तो आराम से आप अपना यूज़ कर सकते हो इसके अंदर। अभी दोस्तों बात करते हैं इसमें आप कितना पैसा लगाओगे तो कितना पैसा मिलेगा। दोस्तों, अगर आप 5 लाख रुपये इन्वेस्ट करते हो तो हर महीने इसके अंदर 2958, यानी कि हर महीने 3000 रुपये आपको पेंशन स्टार्ट, यानी कि सैलरी ब्याज जो भी आप काउंट करो हर महीने आपके खाते में सीधा क्रेडिट हो जाएगा। और 5 साल की बात करें तो टोटल अमाउंट होगा 1,77,500 रुपये आपको इंटरेस्ट के तौर पे यहाँ पे मिलने वाला है। अभी दोस्तों बात करें, अगर फुल लिमिट इसकी 9 लाख है, 9 लाख रुपये आप इन्वेस्ट करते हो तो इसमें आपको मिलने वाला हर महीने 5,325, यानी कि इंटरेस्ट हर महीने 5,500 तक आपको इंटरेस्ट मिलने वाला है इसके अंदर। इसका जो इंटरेस्ट आएगा वो आप म्यूचुअल फंड में डाल दो या फिर रिकरिंग डिपॉजिट करवा लो तो क्या और पैसा आपको मिलेगा इसके अंदर। आप मानो कि हर महीने आपको पैसे की ज़रूरत नहीं है और आपको म्यूचुअल फंड वगैरह भी करना है तो इसका ब्याज में से करो, इसलिए आपका रिस्क हो जाएगा लो, SIP कर दो इसके अंदर से। तो दोस्तों, ये MIS स्कीम इसलिए काफ़ी पॉपुलर है कि जो इसका इंटरेस्ट है वो आप RD करवा सकते हो या फिर म्यूचुअल फंड में भी डाल सकते हो। दोस्तों, सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलर स्कीम है वो है PPF अकाउंट, यानी कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड अकाउंट। दोस्तों, ये कौन कौन ओपन करवा सकता है। दोस्तों, ये PPF अकाउंट भारत का कोई भी नागरिक ओपन करवा सकता है, आप सिंगल भी अकाउंट ओपन करवा सकते हो, अगर माइनर है तो उसके साथ भी आप अकाउंट ओपन करवा सकते हो। ये खाली एक ही अकाउंट ओपन होगा, यहाँ पोस्ट में अकाउंट खुलवाए या फिर बैंक में खुलवाए, ये भारत सरकार की स्कीम है इसलिए आपका सभी जगह पैसा सेफ है, कहीं पे भी कोई टेंशन नहीं। आप बैंक में भी खुलवाओ, पोस्ट ऑफिस में भी खुलवाओ, और इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट भी सब जगह सेम रहता है। अभी दोस्तों बात करें तो इम्पोर्टेंट टॉपिक के अंदर हम देखें तो डिपॉजिट, ये 500 रुपये से अकाउंट खुलता है हर महीने, यानी कि एक बार आपको 500 इन्वेस्ट करना है आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा, फिर मैक्सिमम आप इसमें इसके अंदर 1.5 लाख रुपये तक डाल सकते हो, यानी कि हर महीने साल का अगर आपको 50,000 बचा तो 50,000 डालो, 20,000 डालो, 1 लाख डालो, 500 फिक्स है, मिनिमम डालना ही है, लेकिन मैक्सिमम 1.5 लाख वहाँ तक आप इन्वेस्ट कर सकते हो। और इसका रिटर्न भी काफ़ी अच्छा है, इसका रिटर्न है 7.1, ईयरली इंटरेस्ट क्रेडिट हो जाता है जिसका, जो साल के अंत में 31 मार्च आती है तो उसके अंदर आपको इंटरेस्ट क्रेडिट दे दिया जाएगा। अभी दोस्तों बात करते हैं इसका टेनर है 15 साल का है, स्कीम काफ़ी लंबी है लेकिन इसमें इन्वेस्ट भी तगड़ा है, इसका रिटर्न भी काफ़ी तगड़ा है इसके अंदर। ये टैक्स फ्री स्कीम है, ATC जो सैलराइड वगैरह है, ATC के अंदर 1.5 लाख रुपये जो बाद मिलते हैं उसके अंदर टैक्स फ्री आप डिडक्शन ले सकते हो।
और उसका इंटरेस्ट भी टैक्स फ्री है, यानी कि जीरो टैक्स, कोई भी टेंशन वाला बात है नहीं यहाँ पे। अभी दोस्तों बात करें तो आप हर महीने कितना इन्वेस्ट करोगे तो कितना मिलेगा। हर महीने मानो कि आपने 5,000 इन्वेस्ट किया, यानी कि साल का हो गया 60,000 रुपया, तो आपको 15 साल के बाद मिलने वाला है 16,23,200 हो गई दोस्तों, कितनी बड़ी अमाउंट। अब देखो अगर आप हर महीने 12,500 इन्वेस्ट करते हो तो साल का हो गया 1,50,000 रुपया, तो आपको यहाँ पे मिलने वाला है 40,68,200, यानी कि 40,00,000 रुपया आपको मिलेगा। टेनर लंबा है लेकिन रिटर्न भी तगड़ा है। देखा आपने कंपाउंडिंग पावर स्टार्ट हो जाता है, इंटरेस्ट का इंटरेस्ट, इंटरेस्ट का इंटरेस्ट। अभी आप 12,500 से स्टार्ट करोगे, 15 साल बाद आपके हाथ में 40,000 रुपया, वो भी विदाउट रिस्क, है ना दोस्तों। कितना अच्छा स्कीम है आप देख सकते हो यहाँ पे, काफ़ी अच्छा स्कीम है। इसके अंदर आप पैसा लगा सकते हो और बैंक में भी खाता खुलवाओ, पोस्ट में खुलवाओ, आप जहाँ मर्जी खाता खुलवाओ, और इन्वेस्टमेंट मिनिमम 500 ही है, फिर मैक्सिमम 1,50,000 है। अगर आपको इस साल लगता है कि मेरा भाई 50,000 मैंने बचा लिए, 20,000 बचा लिए, तो वो पैसा इसके अंदर डाल दो और इन्वेस्टमेंट कर सकते हो इसके अंदर आराम से। अभी थर्ड मोस्ट पॉपुलर स्कीम के बारे में बात करें तो अभी सबके पास तो इतना पैसा होता नहीं, 1,00,000, 2,00,000, 5,00,000 डाल दे ऐसे ही। छोटे छोटे लोग होते हैं, छोटी छोटी बचत हर महीने करते हैं, किसी की सैलरी आती है, गल्ला छोटा मोटा चलता है, तो वो लोग क्या करते हैं हर महीने ऐसा रिटर्न करें। उसके लिए बेस्ट स्कीम है रिकरिंग डिपॉजिट, पोस्ट ऑफिस की ये भी बहुत पॉपुलर स्कीम है। रिकरिंग डिपॉजिट के अंदर हर महीने आपको इन्वेस्ट करना होता है। एक पहले कौन कौन खुलवा सकता है रिकरिंग डिपॉजिट, भारत का कोई भी नागरिक खुलवा सकता है। सिंगल अकाउंट खुलवाओ, जॉइंट अकाउंट खुलवाओ, बच्चे के साथ खुलवाओ, ये इसमें सब छूट है। और मल्टीपल अकाउंट भी खुलवा सकते हो, यानी कि 100 रुपये का एक अकाउंट आपने खोला, हर महीने 100 रुपये उसके अंदर डालने हैं, लेकिन 4-5 महीने बाद आपको लगता है और मुझे एक अकाउंट खुलवाना है 500 रुपये का, 1,000 रुपये का, तो वो भी आप खुलवा सकते हो। यानी कि मल्टीपल अकाउंट 1, 2, 3, 4, 5 जितनी आपकी कैपेसिटी है उसके हिसाब से आप अपना अकाउंट खुलवा सकते हो रिकरिंग डिपॉजिट। इसका टेनर यानी कि पीरियड है 5 साल का। इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करें तो इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5.80, 5 साल का ये स्कीम है। और दोस्तों इसके अंदर ये भी रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट है, पोस्ट ऑफिस में है, इसलिए जीरो रिस्क है, आपको कहाँ कोई भी टेंशन वाली बात नहीं, आप आराम से इसके अंदर पैसा लगा सकते हो। अभी दोस्तों बात करें तो आप कितना रुपये डालोगे तो कितना रिटर्न मिलेगा। आप महीने हर महीने 5,000 इन्वेस्टमेंट करोगे 5 साल तक, तो 48,480 यानी कि 50,000 रुपया तो खाली ब्याज का आपको मिलने वाला है, और टोटल जो अमाउंट होगी 3,48,400, यहाँ पे टोटल अमाउंट होने वाली है 3,50,000 रुपया आपको 5 साल बाद मिलेगा। ये काफ़ी अच्छा रिटर्न है इसके अंदर। अगर आप हर महीने 10,000 इन्वेस्टमेंट करते हो तो 5 साल बाद इसका जो इंटरेस्ट होगा वो 96,900 यानी कि 1,00,000 तक आपको इंटरेस्ट मिलेगा, और टोटल अमाउंट है वो 6,96,000 यानी कि 7,00,000 रुपया तक आपको आराम से इसमें रिटर्न मिलेगा। तो दोस्तों ये 3 स्कीम MIS, PPF, RD आपके लिए जो भी सुटेबल बेस्ट स्कीम है उसके अंदर आज ही आप पोस्ट ऑफिस विजिट कीजिए और उसके अंदर पैसा इन्वेस्ट कीजिए, क्योंकि काफ़ी सिक्योर, सेफ सब कुछ है। पोस्ट ऑफिस भारत का गांव-गांव में पसरा हुआ है। तो चलो दोस्तों मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।